हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक गुप्ता, फिजिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं सिग्मा क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग 12 के फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करेंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। बच्चों, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों चाहे 12 बोर्ड का एग्जाम हो या आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम नीट हो, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके वेटेज आप बोर्ड में भी देखेंगे तो काफी क्वेश्चन आता है, और नीट एग्जाम में भी एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। तो बच्चों, ये चैप्टर के स्टार्टिंग्स हम लोग करेंट को समझने से करते हैं कि करेंट होता क्या है। बच्चों, तो पहली चीज हम लोग समझना चाहते हैं करेंट। अब बच्चों, करेंट को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। करेंट कुछ नहीं, करेंट फ्लो है, एक सिचुएशन है, फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करेंट, इज कॉल्ड करेंट। इसे हम लोग कई एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स, कहीं पे कोई रिवर फ्लो कर रहा है, कहीं पे कोई रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जब वाटर कोई डायरेक्शनल फ्लो करता है, यानी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो इसकी ये डायरेक्शनल फ्लो को हम लोग वाटर करेंट बोल देंगे, इसे हम लोग वाटर करेंट बोल देंगे। इसी तरीके से अगर कहीं पे हीट का फ्लो हो रहा है, हीट का फ्लो मीन्स हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में हीट फ्लो करता है। मान लीजिए ये बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, ये बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, और इसके कांटेक्ट में मैं एक लो टेम्परेचर बॉडी लेकर आ गया, लो टेम्परेचर बॉडी। तो हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा। ये जो हीट का फ्लो होगा, हीट का फ्लो होगा और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, हाई से लो की तरफ, ये हीट के फ्लो को हम लोग यहां पे हीट करेंट बोलेंगे, हीट करेंट। बच्चों, करेंट हम जैसा कि शुरुआत में ही डिस्कस किए, करेंट कुछ भी नहीं है, फ्लो, किसी भी चीज की फ्लो है उसे हम लोग करेंट बोल देंगे। अगर वाटर फ्लो कर रहा है वाटर करेंट, हीट फ्लो कर रहा है हीट करेंट। इसी तरीके से अगर कभी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट या करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंडक्टर हो, अगर कोई कंडक्टर हो, कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज को हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं, चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो चार्ज को हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं। तो अगर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करे, क्यू फ्लो करे, इसी फ्लो ऑफ चार्ज को, ये जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज है, इस फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करेंट बोल देंगे, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो बच्चों हम लोग बेसिक तरीके से करेंट क्या होता है ये समझ गया। अब हम लोग एग्जाम में या बुक में कैसा लिखा रहता है, तो बुक में करेंट की जो डिफिनेशन हमें दिया हुआ है वो ऐसा दिया रहता है, करेंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन एरिया। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है बच्चों। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई एरिया है, ये एरिया कुछ और नहीं, जैसे ये हमारा कंडक्टर है, इसमें अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन लूं, क्रॉस सेक्शन मीन्स आप इसे कट करेंगे तो जो आपको एक सर्कुलर एरिया दिखेगा, यही इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। तो अगर कोई गिवन एरिया यानी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू चार्ज, मान लो क्यू चार्ज किसी टाइम टी में, इन एनी टाइम टी पास करता है, तो हम बोलेंगे यहां पे करेंट है, हम बोलेंगे यहां पे करेंट। करेंट का सिंबल बच्चों आई होता है, तो करेंट इक्वल टू क्यू बाय टी। ये देखिए रेट ऑफ फ्लो जो है, रेट का मींस होता है पर यूनिट टाइम या डिवाइडेड बाय टाइम, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज बाय टाइम, ये हमारा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया करेंट का।
अब अगर करेंट की यूनिट की बात की जाए बच्चों, इसकी जो हम लोग यूनिट बनाएंगे एसआई यूनिट, तो ऊपर चार्ज है तो चार्ज का यूनिट हम जानते हैं कूलम, और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर बोल सकते हैं, इसे एसआई में हम लोग एम्पियर बोलते हैं, इसे ए से इंडिकेट करेंगे। अगर सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो इसे ही हम लोग बायोट बोल देते हैं। ओके, इसके बाद बच्चों हम लोग समझते हैं ये फ्लो और किस तरीके का हो सकता है, तो हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग ये तो समझ गए कि चार्ज का जो फ्लो है यही करंट है। अब इसकी फ्लो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज है ये मे बी यूनिफॉर्म हो सकता है और मे बी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का क्या मीनिंग है? यूनिफॉर्म का मीनिंग है अगर मान लो एक सेकेंड में 10 कूलम चार्ज जा रहा है, पहले एक सेकेंड में 10 कूलम चार्ज जा रहा है तो अगले एक सेकेंड में भी 10 कूलम ही चार्ज जाएगा। मींस हर एक टाइम ड्यूरेशन में सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज जब फ्लो करेगा तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म बोलेंगे। और अगर मान लीजिए टाइम के साथ चार्ज कम ज्यादा फ्लो होता है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो बच्चों हम लोग ना एवरेज करंट निकालते हैं, हम लोग एवरेज करंट निकालेंगे। अब एवरेज करंट कैसा हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला वही रहेगा, आई एवरेज इक्वल टू टोटल फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम। इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, आई एवरेज इक्वल टू टोटल फ्लो मीन्स कितनी चार्ज में चेंजेज आया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या सिंपली क्यू बाय टी भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। नॉन यूनिफॉर्म का मीन्स टाइम के साथ फ्लो का रेट चेंज हो रहा है। मीन्स ध्यान से समझिए, मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन है, आप एक सेकेंड देके पहला एक सेकेंड तो आपको 10 कूलम चार्ज पास हुआ, दूसरे सेकेंड में मान लो 20 कूलम पास हुआ, तीसरे सेकेंड में मान लीजिए आपने देखा 50 कूलम पास हो रहा है, फिर किसी टाइम ड्यूरेशन एक सेकेंड में आप देख रहे हैं 2 ही कूलम पास हो रहा है, 2 कूलम पास हो रहा है। यानी यहां पे चार्ज फ्लो होने का रेट कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इस समय हम लोग टोटल फ्लो और टोटल टाइम को डिवाइड नहीं कर सकते, यहां पर हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना पड़ेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में बच्चों हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट का जो हमें फॉर्मूला बना देते हैं, एक देखो फॉर्मूला वही रहेगा चार्ज बाय टाइम, पर यहां पे एक छोटा सा टाइम लेंगे जिसे डीटी से इंडिकेट करेंगे, और छोटा सा चार्ज जो डीटी टाइम में हुआ इसे डीक्यू से करेंगे, तो आई इंस्टेंटेनियस हो जाएगा डी क्यू बाय डी टी। अब अच्छे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ग्राफ हो, अगर कोई हम ग्राफ बना रहे हैं y वर्सेज x का कैसा भी ग्राफ हो, अगर मान लीजिए इसका स्लोप निकालना है, हमें इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस। चेंज इन y एक्सिस को हम लोग डी वाई बोलते हैं, चेंज इन x एक्सिस को डी एक्स बोलते हैं। यानी किसी ग्राफ का डी वाई बाई डी एक्स ही स्लोप होता है। तो सेम इसी तरीके से देखिए, यहां पे डी क्यू बाई डी टी है। अगर मैं यहां पे एक ग्राफ बनाऊं जिसकी एक एक्सिस पे हम लोग चार्ज को रखे और दूसरे एक्सिस पे टाइम को, अब इसकी स्लोप कैसा भी हो, ग्राफ का शेप कैसा भी हो, पर इसका जो स्लोप निकलेगा, इसका जो स्लोप निकलेगा ये कैसे निकालोगे, डी क्यू बाय डी टी, और डी क्यू बाय डी टी क्या मिला हमारा, इंस्टेंटेनियस करेंट। यहां से आपको नीट एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन कि स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है, तो हमारा आंसर होगा इंस्टेंटेनियस करेंट। तो
मैं लिख रहा हूं बच्चों, स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ गिव इंस्टेंटेनियस करेंट। ओके, थोड़ी और डिस्कशन करेंगे बच्चों यहीं पे। देखें, हम लोग आई को, इंस्टेंटेनियस करेंट को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। अगर डी टी को इधर भेज दो तो आई डी टी इक्वल टू डी क्यू। अब अगर हम दोनों साइड बच्चों इंटीग्रेट कर दें, हम जानते हैं डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डी क्यू का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू। इस डी क्यू को हम लोग क्यू लिख सकते हैं, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब ये कहां यूज होगा, तो पहली चीज आप समझे, ये एरिया है, ये क्या है, एरिया। जैसा कि हम लोग बच्चों ग्राफ पढ़े हैं, एरिया अंदर ग्राफ, इसमें मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कोई एक रैंडम शेप है। अब इस शेप का एरिया अगर निकालना है, इसके अंदर का एरिया, तो हमारा तरीका क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं और इसकी लेंथ हम लोग डी एक्स ले लिया और इसकी जो हाइट है ये वाई हो गया। तो एक एरिया, इस स्ट्रिप का जो एरिया है, इस स्ट्रिप का जो एरिया है ये कितना हो जाएगा, वाई इंटू डी एक्स। और पूरे का अगर एरिया निकालना है तो इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारा हो जाता है एरिया अंदर ग्राफ, एरिया अंदर ग्राफ, एरिया अंदर ग्राफ। तो हमें समझ में आया, अगर y वर्सेज x ग्राफ का एरिया निकालना है तो y dx होता है। सेम इसी तरीके से अगर i वर्सेज t ग्राफ का, करेंट वर्सेज टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ i dt। तो स्पेस नहीं होने का है बच्चों, मैं ये ग्राफ मिटा रहा हूं, ये आपके काम का नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा था कि आप अगर भूल गए हो, 11th काइनेमेटिक्स में हम लोग सीखे थे ग्राफ। तो हमें पता है किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना है तो क्या करते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। और किसी भी ग्राफ का अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके, इसी कंसेप्ट को यूज करके अगर यहां पर एक ग्राफ बनाया जाए, करेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये टाइम है और ये करेंट है। अब इसका शेप कैसा भी है बच्चों, पर इसका जो एरिया निकालेंगे, इसके नीचे का जो एरिया है, एरिया अंदर ग्राफ, ये जो हम लोग निकालेंगे बच्चों, एरिया अंदर I means current versus time graph, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा I dt का इंटीग्रेशन। और I dt का इंटीग्रेशन क्या मिला है, चार्ज, यानी ये हो जाएगा चार्ज। तो हम लोगों ने जैसे अभी याद किया था कि स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ क्या देता है, इंस्टेंटेनियस करेंट। इसी तरीके से एमसीक्यू एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि एरिया अंदर करेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा, चार्ज। यहां पे क्या दे रहा था, करेंट, तो मैं लिख दे रहा हूं एरिया अंदर करेंट टाइम ग्राफ, करेंट टाइम ग्राफ गिव चार्ज। अब बच्चों हम लोगों ने जो एक बेसिक मॉडल डेवलप किया है करेंट के लिए, अब इस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ओके, देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कहीं पे फ्लो ऑफ चार्ज दिया हुआ है, फ्लो ऑफ चार्ज q इक्वल टू 4t² + 2t + 3, ये हमें चार्ज का फ्लो दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड करेंट इन, फाइंड करेंट। इसे दो पार्ट में क्वेश्चन करते हैं, ए पार्ट आपसे पूछ रहा है इन
2 सेकेंड। दूसरा पार्ट पूछ रहा है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिए, सेकेंड पार्ट बोला एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब ये किसी इंस्टेंट पे आपसे करंट पूछ रहा है कि 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे कितना होगा। तो जब भी एट वर्ड यूज करे इसका मतलब है वो इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है, वो इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है। और जब इन 2 सेकेंड इन वर्ड यूज करे मतलब एक ड्यूरेशन की बात कर रहा है, यहां पे मतलब हमारा एवरेज करंट से होता है, हमारा मतलब एवरेज करंट से होता है। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे, मैं यहां पे रिकैप कर रहा हूं कि मान लो करंट 2 टाइप का होगा। अगर कभी इन टाइम टी बोले, इन टाइम कोई भी टी, इसका मीनिंग होगा एवरेज करंट, इसका मीनिंग होगा एवरेज करंट। और कभी आपसे पूछे एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे एट टाइम टी, इसका मीनिंग होगा इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, तो इस केस में हमसे दोनों पूछा गया है, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले एवरेज करंट कैसे निकालोगे, तो ए पार्ट हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए पार्ट में आई एवरेज का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, क्यू या डेल्टा क्यू बोल दो बाय डेल्टा टी या टी टाइम, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कितना टोटल फ्लो किया चार्ज बाय टोटल टाइम कितना हुआ। तो टाइम तो हमें पता है कितनी देर में पूछा है, 2 सेकेंड, पर चार्ज कितना फ्लो किया 2 सेकेंड में, ये यहां से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो बच्चों ये जो है ना टोटल, ये ऐसे निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यहां बोलेंगे फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। अब फाइनल चार्ज कैसे निकालेंगे, इनिशियल चार्ज कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे जो गिवन है। तो क्यू फाइनल निकालना है, यानी फाइनल टाइम पे, फाइनल टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो टी की वैल्यू 2 सेकेंड ले लिया। तो टी की वैल्यू 2 रखोगे ये हो जाएगा 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 3, ये हमारा आ जाएगा 4 × 4 प्लस 4 + 3, 4 × 4 = 16 प्लस 4 = 20 प्लस 3 = 23 कूलम्ब। क्यू इनिशियल क्या लेंगे, तो इनिशियल टाइम नहीं दिया, इसका मीनिंग है इन 2 सेकेंड मीन्स बिटवीन 0 to 2, यानी फर्स्ट 2 सेकेंड में इनिशियल टाइम 0 लेंगे। तो टी की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो उस समय उसमें कितना चार्ज था, तो टी की वैल्यू जैसे 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, फिर टी की वैल्यू रखोगे 0 हो जाएगा, बचेगा 3। मैं फिर भी आपको समझने में दिक्कत हो तो मैं टी की वैल्यू 0 रख देता हूं, तो 0 की स्क्वायर प्लस 2 × 0 प्लस 3, यानी कि 3 कूलम्ब। तो बच्चों फाइनल चार्ज जब 2 सेकेंड पूरा हो गया तो उस एरिया से 23 कूलम्ब पास हो चुका था, पर जब शुरुआत था टाइम 0 था तो ऑलरेडी 3 कूलम्ब वहां पे था, यानी हमारा चार्ज कितना फ्लो हुआ 20 कूलम्ब, यहां पे वैल्यू रख देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों, जैसे यहां पे वैल्यू रखेंगे Q फाइनल का 23 माइनस Q इनिशियल की वैल्यू 3 और टाइम 2, ये हो जाएगा 20/2, कैंसिल आकर हमारा आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर, यहां आंसर आ गया हमारा 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर हमारा एवरेज करंट आया। ओके बच्चों, तो हम लोग पार्ट ए में एवरेज करंट निकाल लिए जिसकी वैल्यू 10 एम्पियर आया। अब हम लोग पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में बच्चों करंट की वैल्यू एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पूछा है। तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, एट जब भी वर्ड यूज एट होगा इसका मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट जब बच्चों हम लोग निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला हम लोग समझे क्या था, dQ/dt। अब ये कैसे निकालेंगे, तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव है, क्यू का हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो देखिए क्या इक्वेशन दिया हुआ है क्यू का,
4t² + 2t + 3। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं dq/dt, तो हम जानते हैं इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, 4 और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा प्लस 2t का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 3 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 4 × 2 = 8, 8t + 2, ये हमारा आ गया dq/dt। और dq/dt जो है यही इंस्टेंटेनियस करंट होता है और हमसे पूछा at t = 2 सेकेंड पे, तो हम लोग क्या करेंगे dq/dt at t = 2 सेकेंड पे निकाल लेंगे। तो t की वैल्यू इसमें 2 रखना पड़ेगा, तो रख दीजिए 8 × 2 + 2, 8 × 2 = 16 + 2 यानी कि 18 एम्पियर। तो बच्चे अभी हम लोग क्या देखे कि सेम टाइम में सेम चार्ज की इक्वेशन में एवरेज करेंट 10 एम्पियर आया और इंस्टेंटेनियस करेंट 18 एम्पियर आया। इसीलिए बच्चे हमें क्वेश्चन के समय बहुत ही केयरफुली देखना है कि एवरेज पूछा है या इंस्टेंटेनियस पूछा है। कई बार हम लोग डिस्कस किए जब भी एट वर्ड यूज रहेगा तो इंस्टेंटेनियस हम समझेंगे और जब इन रहेगा तो हम लोग एवरेज समझेंगे। ओके, तो आई होप आपको इस न्यूमेरिकल से, इस प्रॉब्लम से करंट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बच्चे क्या समझना चाहते हैं, करंट की डायरेक्शन। चलिए तो बच्चे अब हम लोग समझेंगे करंट की डायरेक्शन। तो पहली चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि करंट स्केलर है या वेक्टर है, करंट स्केलर है या वेक्टर है। करंट के पास हम लोग जानते हैं करंट के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही, अभी निकाला हम लोग दो दो वैल्यू निकाला मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, और उसके पास डायरेक्शन भी होता है। कौन सी डायरेक्शन होता है अभी हम लोग समझेंगे करंट की डायरेक्शन कैसा होता है। पर अभी हम लोग ये तो जानते हैं कि करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है, तो इसे स्केलर बोलना चाहिए या वेक्टर बोलना चाहिए। तो आंसर है इसे स्केलर बोलेंगे, इसे स्केलर बोलेंगे, ये वेक्टर नहीं है। क्यों स्केलर है, क्योंकि ये फॉलो नहीं करता है, करंट जो है वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करता है। नोट, फॉलो रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। इसका क्या मीनिंग हुआ, हम लोग जो क्लास 11th में वेक्टर के लिए रूल पढ़े थे वेक्टर को ऐड करने का, वो रूल से यहां ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहां सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो एक करंट आ रहा है 3 एम्पियर, फिर से एक करंट आ रहा है मान लीजिए 5 एम्पियर, अब दोनों किसी पॉइंट पर आया तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। तो हम लोग कैसे जोड़े 3 + 5 = 8, नॉर्मल तरीके से जो सिंपल अर्थमेटिक्स होता है उसी से हमें इसमें एडिशन कर देते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ये वेक्टर अलजेब्रा, यानी वेक्टर की एडिशन रूल को फॉलो नहीं किया, जो वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं किया इसीलिए वेक्टर नहीं, ये क्या है स्केलर है। ओके, अब बच्चों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये करंट की डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन जो बच्चों हम लोग लेते हैं वो लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वही डायरेक्शन होगा करंट का, या इसे हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, तो हम ऐसा ही बोल देंगे अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। ध्यान समझिए, करंट की डायरेक्शन यदि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ले रहे हो तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वही डायरेक्शन करंट का होगा। अगर आप निगेटिव चार्ज को देख रहे हो तो जिस डायरेक्शन निगेटिव चार्ज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मैं यहां पर एक डायग्राम से आपको समझा रहा हूं कि मान लो ये कोई कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में अगर आप प्लस चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, मान लिया कोई पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन यही हो गया, यही करंट की डायरेक्शन, करंट का सिंबल आई।
पर अगर मैं कहीं पे नेगेटिव चार्ज को देख रहा हूं, मान लो ये रहा हमारा कंडक्टर और मैं दिखा रहा हूं कि इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है मान लो, तो अब ये डायरेक्शन करंट का नहीं होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग करंट की डायरेक्शन मानेंगे। अभी बच्चों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों लिया गया, और एक बात और समझिए कि करंट में जो फ्लो करता है वो कौन सा चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव फ्लो करता है या निगेटिव फ्लो करता है। तो हम लोग जानते हैं चार्ज बेसिक दो है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज कौन होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद जानते हैं प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, तो कहने को तो हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, पर एक्चुअल में कभी पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और न्यूक्लियस से निकलकर प्रोटॉन फ्लो नहीं करेगा। प्रोटॉन कभी फ्री स्टेट में नहीं रहता, फ्री स्टेट में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो जब भी चार्ज में जो फ्लो होता है, जो ये फ्लो होता है, ये निगेटिव चार्ज ही फ्लो होता है। एक और डायग्राम देखिए तो और भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मान लो ये एक कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में आप चाहते हो करंट फ्लो करें, इसके लिए आप क्या करोगे, इसे एक बैटरी से जोड़ दोगे। अब हम जानते हैं यहां से लेकर दो तीन चीजें हमें समझना आएगा। पहली चीज, बैटरी या सेल का जो बड़ी लाइन होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल इंडिकेट करता है और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हाई पोटेंशियल होता है, याद रखना ये हमेशा हाई पोटेंशियल। टर्मिनल जो है ये हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल होता है। तो और भी हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, प्लस से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है, यानी कि आप अगर एक कंडक्टर को बैटरी से जोड़ोगे तो ऐसा करंट फ्लो करेगा। अब एक्चुअल में करंट का मतलब है चार्ज का फ्लो होना, पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो आंसर है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन कौन है, नेगेटिव चार्ज है, यानी इसमें इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या लिखे, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है। पर फिर ये क्यों लिखा हुआ रहता है बुक में, ये इसलिए लिखा रहता है कि जब करंट की शुरुआत हुई थी उस समय हमें पता नहीं था कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसीलिए इसे कई बार कन्वेंशनल करंट बोला जाता है। ट्रेडिशनली हम लोग मानते थे शुरुआत में कि करंट जो है पॉजिटिव चार्ज ही है। तो बच्चों हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को जब हम लोग मानते हैं, ये जो करंट है, ये जो करंट है, ये जो आई करंट आ रहा है, इसका एक और नाम है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, इसका एक और नाम है कन्वेंशनल करंट, या सिंपली जो अभी तक हम लोग करंट बोलते आए थे ये यही करंट था। कंफ्यूज मत होना, ये नया करंट कहां से आ गया, जो हम लोग करंट बोल रहे थे उसी का एक्चुअल नाम कन्वेंशनल करंट है। और जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे या हायर क्लासेस में जाएंगे तो निगेटिव चार्ज की डायरेक्शन को भी हम लोग करंट मान के काम करेंगे। तो अगर इस डायरेक्शन में हम मान लो करंट मान लिए, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इसको अगर मानोगे तो इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो अगर निगेटिव डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानना है तो उसे मानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। पर हमारी स्टैंडर्ड में 12 में हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन के लिए ये बातें याद रखेंगे, करंट जिस डायरेक्शन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ओके, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि डायरेक्शन पे कैसे वर्क। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्शन की कंसेप्ट पे ही है। एक बार हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे और उसके साथ साथ मैं डायग्राम भी बनाता जाऊंगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो क्या दिया हुआ है, इन ए गिवेन क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो कोई गिवेन एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से
एन वन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में टाइम का वैल्यू वन सेकेंड है, वन सेकेंड में एन वन इलेक्ट्रॉन पास करता है, कैसा पास करता है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट एन वन इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। एक बार बताओ बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, आंसर है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इसीलिए हम लोग ई भी बोलते हैं। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन होता, अगर दो इलेक्ट्रॉन होता तो हमारा चार्ज कितना हो जाता, हमारा चार्ज हो जाता 2e, 3 इलेक्ट्रॉन होता 3e, तो अगर एन वन इलेक्ट्रॉन है तो एन वन इलेक्ट्रॉन के कारण जो हमारा चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, एन वन ई, वन के कारण ई, टू के कारण 2e, तो एन वन के कारण एन वन ई। ओके, अब इस एन वन इलेक्ट्रॉन के कारण करंट कितना बनेगा, तो हम पहली बार जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो इसका करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन बनेगा, निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, इस एन वन इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन बनेगा, आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा, चार्ज बाय टाइम, क्यू बाय टी। तो बच्चों मैं इसी को कंटिन्यू आगे कर रहा हूं, तो क्यू की वैल्यू रख सकते हैं एन वन ई, और टाइम वन है तो नीचे डिवाइडेड बाय वन लिखो नहीं लिखो कोई मीनिंग नहीं है। ओके, आगे पढ़ेंगे, एंड प्रोटॉन पर सेकेंड, एक सेकेंड में प्रोटॉन कितना पास करता है, प्रोटॉन देखिए यहां पे मिसिंग है बच्चों, एन टू है, यहां पे मिसिंग है, मैं लिख दे रहा हूं एन टू प्रोटॉन, एन टू प्रोटॉन पर सेकेंड आर पासिंग, तो जैसे वन सेकेंड में एन वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था, इसी तरीके से एन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एक सेकेंड में पास कर रहा है, पर कैसा, राइट टू लेफ्ट, तो ये रहा राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में एन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन पास कर रहा है। सेम इसी तरीके से हम लोग जानते हैं प्रोटॉन का भी चार्ज ई के बराबर ही होता है, तो एक प्रोटॉन होता तो ई चार्ज, दो प्रोटॉन होता 2e, तो एन टू प्रोटॉन के कारण, एन टू प्रोटॉन के कारण जो चार्ज होगा ये हो जाएगा एन टू ई। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसकी करंट इसी डायरेक्शन में बनेगा, करंट कौन सी डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसकी जो करंट निकालेंगे, इसकी करंट आई ड्यू टू प्रोटॉन, इसकी जब वैल्यू क्यू बाई टी लिखोगे तो क्यू की वैल्यू लिखना पड़ेगा एन टू ई, और टाइम टू वन सेकेंड है। तो हमसे पूछा है फाइंड नेट करंट, टोटल करंट कितना होगा, तो देखो दोनों करंट सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा, तो यहां पे जो टोटल करंट होगा आप कहीं पे दिखा सकते हैं, टोटल करंट ये जो आई टोटल होगा, मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, आई टोटल ये हो जाएगा आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस आई ड्यू टू प्रोटॉन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मिला एन वन ई, डिवाइडेड वन नहीं करना है, वन की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं, डिवाइड में वन है तो, और प्रोटॉन हो गया एन टू ई, तो आप E कॉमन ले लें एन वन प्लस एन टू, तो हमारा कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा ये। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, पर हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, एक छोटी सी और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो डायरेक्शन से मतलब नहीं है पर करंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्लियर है। हम लोग पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कंजर्व होता है, तो कई बार आपके एग्जाम में एक ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा कि मान लीजिए इस तरीके का क्रॉस सेक्शन है, अब इसमें ना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, अब आपसे दो क्रॉस सेक्शन लिया गया, मान लो ये क्रॉस सेक्शन वन है और यहां पे एक क्रॉस सेक्शन टू है, यहां की करंट को ये आई वन बोल रहे हैं, यहां की करंट को आई टू बोल रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा आई वन आई टू में रिलेशन बताओ, मैं चार ऑप्शन बना दे रहा हूं, मान लो आई वन क्या ग्रेटर देन आई टू होगा, आप खुद से सोचकर मन में रखिए क्या आई टू ग्रेटर देन आई वन होगा, ऑप्शन सी
क्या I1 I2 सेम होगा, ये ऑप्शन डी नन ऑफ अबव, हम नहीं बता सकते कहां पे करंट ज्यादा होगा कहां पे करंट कम होगा। आप सोच लिए, इसका आंसर होगा I1 इक्वल टू I2। ऐसा क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज देखिए, करेंट का मतलब क्या, किसी टाइम में कितना चार्ज इन कर रहा है, यहां का करेंट मतलब यहां से चार्ज फ्लो किया होगा, तो इस क्रॉस सेक्शन में या इस वायर में जितना चार्ज यहां से इन किया होगा उतना यहां से निकलना भी पड़ेगा, बीच में कहीं चार्ज रुक नहीं सकता या चार्ज कहीं पर एकुमुलेट नहीं हो सकता। तो सिंस चार्ज कंजर्व होता है, जितना चार्ज उतना ही रहेगा, तो जितना चार्ज इन किया उतना निकलेगा भी, तो जितना करंट इन किया उतना ही करंट आउट होगा। तो आप याद रखेंगे, शेप कैसा भी हो हमारा करंट कांस्टेंट होगा जब तक दूसरा ब्रांच नहीं बनेगा। तो मैं इसे लिख दे रहा हूं, इन सेम ब्रांच का मतलब एक ही लाइन गया है करंट का, इन सेम ब्रांच करेंट एक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब कैसा भी शेप हो विल बी सेम। ओके बच्चों, तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंट का क्लियर हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसके आगे जाएंगे और काफी नीट से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे और बोर्ड से रिलेटेड भी जो हमें इस चैप्टर में करना है। ओके.